सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे ना होगा। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं तार हमारे कदमों की। विश्वास में विष भी है और आस भी है, ये स्वयं पर निर्भर करता है कि क्या ग्रहण करना है। आज का पंचांग 23 अप्रैल 2022 दिन शनिवार, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 6:27 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र शाम 6:53 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:14 से 10:49 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:59 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। मकर राशि 23 अप्रैल 2022 दिन शनिवार, आप अपने आसपास बदलाव लाने के लिए उत्साह से भरे हैं, लेकिन आपके लिए शांति से बैठकर यह सोचना अच्छा रहेगा कि क्या बदलाव की कोई जरूरत भी है। अब जबकि आप अपनी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, बेहतर होगा कि आप में परियोजनाएं अपने लिए किसी और को चुनने दें। आप आज दृढ़ निश्चय से भरे रहेंगी। आज अचानक कोई कार्य आपके मन मुताबिक तरीके से हल हो जाएगा। मोबाइल तथा ईमेल द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी जिसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें, आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। केवल परिस्थिति का अवलोकन करते रहने की वजह से डर महसूस होगा। खुद को प्रेरित करते हुए अपनी कार्य क्षमता किस तरह से बढ़ाई जाए इस बात पर ध्यान देते रहें। बेकार के खर्चों को टालने की आवश्यकता होगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में पारंगत हैं, लेकिन इस बात को साबित करने की जिद ना करें। जब तक साथी के बारे में ठीक से जानकारी प्राप्त नहीं होती तब तक विवाह संबंधित निर्णय ना करें, उल्टी और अपचय जैसी तकलीफ हो सकती है। सावधानियां, कोर्ट के संबंधित मामलों में आज बहुत ही अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। अपने शुभचिंतकों से इस विषय पर विचार विमर्श करने से उचित हल प्राप्त हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्गों के उचित देखभाल करने में भी अपना समय लगाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहें। इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी परिवार की सुख शांति को भंग कर सकता है। आज आप प्रेम से ओतप्रोत होना चाहते हैं और आज के दिन आपने अपने साथी के साथ साझा करने के लिए योजना बनाई है, लेकिन अन्य प्रतिबद्धताओं के चलते आज आप रोमांस और प्यार से दूर रह सकते हैं। समय के अभाव के कारण आपको प्रेम प्रसंगों से दूर होना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बड़ा ना कर पाए तो कुछ लघु व प्यार से ओतप्रोत कुछ प्रेम से भरी वस्तु या अपना त्वरित प्रेम अपने साथी को आप दिखा जरूर सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आप उस पैसे के साथ काफी लापरवाह हैं जो अपनी जरूरत के लिए बचाया है, लेकिन आपको भविष्य में अपनी वित्तीय सुरक्षा के लिए अपनी असाधारण आदतों को नियंत्रण करना होगा। आप अपने निवेश के बारे में एक विशेषज्ञ से परामर्श करें जो आपको धन के बारे में उचित परामर्श दे सके, जिसे धन की वृद्धि हो। व्यवसाय गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों के सुझाव को भी ध्यान में रखें, जिससे आपको बेहतर निर्णय लेने में आसानी होगी। नौकरी में अपने काम के प्रति लापरवाही न करें, क्योंकि इस समय कोई इंक्वायरी होने की आशंका है। बात करते हैं सेहत की। उत्तम रहेगा, परंतु वर्तमान स्थिति की वजह से लापरवाही बरतना उचित नहीं है। लोगों ने आपको बुरा आदमी समझ लिया है, उन्हें समझने दें और आप निराश ना हो। समय के गुजरने के साथ साथ उन्हें खुद ही पता चल जाएगा कि आप कैसा आदमी हैं। अपनी प्राथमिकताओं के बारे में एक बार फिर सोच लें, आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए
तैराकी करें और दौड़ लगाएं। आज का उपाय, आज अब शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।